प्रदेश जेल के डीजी जीपी सिंह ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बंदियों से बातचीत कर उनकी मनस्थिति पर की और व्यवस्थाएं भी देखी। उन्होंने संतोष जताया कि ग्वालियर सेंट्रल जेल के बंदियों ने उनसे कोई भी शिकायत नहीं की। देखिए रिपोर्ट। जेल डीजी जीपी सिंह ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर सेंट्रल जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने के बाद डीजी जीपी सिंह ने बताया कि मैंने आज ग्वालियर सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया है, जेल में बंद कैदियों से भी मुलाकात की है। जेल विभाग चाह रहा है कि जेल की व्यवस्थाओं का कॉन्सेप्ट चेंज किया जाए और दंडात्मक के स्थान पर सुधारात्मक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। भारत सरकार जो नए कानून लागू करने वाली है, उसी के तहत जेल प्रशासन के भी कानून में बदलाव किए जाए और ब्रिटिश राज से लागू कानून में सुधार और उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाना है। इसी के साथ ही जेल की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जाए, इस संबंध में भी प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय जेल ग्वालियर का निरीक्षण किया, यहाँ पे कैदियों से बात की और जैसे जो है अब हम लोग चाह रहे हैं कि जेल का थोड़ा कंसेप्ट परिवर्तित हो। कंसेप्ट परिवर्तित होने से अभिप्राय ये है कि उसको सुधारात्मक के रूप में ज़्यादा देखा जाए, दंडात्मक के रूप में कम देखा जाए। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि नए कानून प्रभावी होने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं जो IPC है वो अब भारतीय न्याय संहिता बन रही है और जो CRPC है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गई है। तो ये जो ब्रिटिश पीरियड के जो कंसेप्ट थे, ब्रिटिश पीरियड के जो कानून थे, उनको जो है अमूलचूल परिवर्तन करके नया स्वरूप दिया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जेल को भी अब नया स्वरूप देना है। ये सुधारात्मक के रूप में ज़्यादा रहेगा, दंडात्मक के रूप में कम रहेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरा मनस्थिति भी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार ने भी आध्यात्मिक प्रोग्राम के माध्यम से जो एक प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित करना या शुद्धिकरण करने पर विशेष प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान जेल डीजी जीपी सिंह के साथ केंद्रीय कारागार ग्वालियर से जुड़े सभी बड़े सरकारी और जेल पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।